Hello everyone, welcome on my YouTube channel. I am Rakesh Kumar and today my topic is integration. हम integration पर कुछ वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आप लोगों के फरमाइश पर कुछ और वीडियो अपलोड कर रहे हैं और कोई भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच सके। और यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर, इंटीग्रेशन कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, लिखा हुआ इंटीग्रेशन कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको सोचना होगा कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज़ करें। तो देखिए यहाँ दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन, एक ये फंक्शन है। तो इस दोनों में कोई अगर इसको डिफ्रेंशिएट करके अगर ये आ जाए तो इसको टी मानेंगे, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करके ये आ जाए तो इसको टी मानेंगे। मतलब दो फंक्शन है, अगर पहला को डिफ्रेंशिएट किया अगर दूसरा आ जाए तो पहला को टी मानेंगे, या दूसरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे पहला आ जाए तो इसको टी मानेंगे। जैसे देखिए अगर हम कंसेप्ट सिखाना चाहें तो देखिए ध्यान से, अगर पहला को डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉट एक्स को तो आएगा माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स, अगर दूसरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बटे डी एक्स लॉग साइन एक्स को, तो ध्यान दीजिए लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वन बटे क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू डी बटे डी एक्स, क्या लिख देंगे साइन एक्स। लॉग फंक्शन का होता है डिफ्रेंशिएशन वन बाई फंक्शन, तो एक बटे साइन एक्स इंटू डी बटे डी एक्स साइन एक्स, क्या आ जाएगा वन बाय साइन एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स इंटू डी बटे डी एक्स एन का, ये कैंसिल एक्स लिखा हुआ है, कॉस बाई साइन कॉट एक्स आता है। तो देखिए पहला को डिफ्रेंशिएट किए तो दूसरा लॉग साइन एक्स नहीं आया तो ये डिस्कार्ड कर देंगे, और दूसरा को डिफ्रेंशिएट किए तो पहला आ गया कॉट एक्स, तो ये सही है। इसका मतलब दूसरा को हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे, बात समझे ना, दूसरा को क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो टी किसको मानेंगे, आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यहाँ लिख देंगे कि लेट सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट टी बराबर, या ऐसे लिख देते हैं लॉग साइन एक्स बराबर टी, नो डाउट लॉग साइन एक्स को टी मान लिए। अब देखिए ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के साथ एक्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे डी बटे डी एक्स लॉग साइन एक्स, डी बटे डी एक्स यहाँ टी लिखेंगे, है ना, लॉग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई फंक्शन, तो वन बाई साइन एक्स लिख देंगे इंटू डी बटे डी एक्स साइन एक्स, कुछ नहीं किए हैं, लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग फंक्शन है तो वन बाई फंक्शन, तो वही लिख दिए वन बाई साइन एक्स इंटू डी बटे डी एक्स साइन एक्स, इधर क्या हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स, तो एक बटे साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स, है ना। अब वो ये हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स बाई साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। आप ही बताइए कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो यहाँ लिख देंगे कॉट एक्स, और ये भाग में डी एक्स है तो इधर क्या चीज में आ जाएगा, गुना में डी एक्स, इधर डी टी हो गई। तो इसको और इसको ध्यान में रखिएगा, इसी का यूज करेंगे। अब देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ना हो इंटीग्रेशन, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉट एक्स, तो यहाँ लिख देंगे कॉट एक्स इंटू, और क्या लिखा हुआ है लॉग साइन एक्स डी एक्स, तो यहाँ लिख देंगे लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए समझने वाला बात क्या है, से यहाँ क्या लिखा हुआ है कॉट एक्स डी एक्स, क्या लिखा हुआ है कॉट एक्स डी एक्स, तो यहाँ देखिए कॉट एक्स डी एक्स, यानी कॉट एक्स डी एक्स हटेगा इसकी जगह क्या बैठेगा डी टी, कॉट एक्स डी एक्स हटेगा इसकी जगह क्या बैठेगा डी टी, तो यहाँ लिख देंगे कॉट एक्स डी एक्स हटेगा तो इसकी जगह क्या लिखेंगे डी टी, है ना। और उसके बाद लॉग साइन एक्स है, तो देखिए यहाँ लॉग साइन एक्स को क्या माने हैं टी, लॉग साइन एक्स को क्या माने हैं टी, तो यहाँ ले देंगे टी, जिसके पावर कितना है एक है, एक है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा दो बटे दो,
आप प्लस सी के कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, टी का वैल्यू वापस करेंगे तो यहाँ देख देंगे वन बाई टू वाई टी। ठीक, इसको माने थे लॉग साइन एक्स को, तो यहाँ लिख देंगे लॉग साइन एक्स और टोटल पावर कितना है 2, सो लिख देंगे अब प्लस सी, यही आपका आंसर रहा। तो आप लोग देखिए कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उम्मीद है यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए इसको मिटाते हैं आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है देखिए, मतलब दिया हुआ है 30 नंबर है ना, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे 1 cos x dx, यही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे 1 cos x dx। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम सिखाएं कि नीचे वाला का डिफरेंशिएट पूरा पूरा ऊपर में आता है, तो क्या होता है फॉर्मूला लॉग मॉड नीचे वाला का डिफरेंशिएट पूरा पूरा ऊपर में आता है, तो लॉग मॉड क्या होता है नीचे वाला होता है। तो आप ध्यान से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे, नीचे वाला को टी मान लीजिए, लेट 1 cos x बराबर टी मान लीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, डी बटे डी एक्स इधर 1 cos x लिख देंगे, इधर डी बटे डी एक्स ये टी लिख देंगे है ना। आप जानते हैं कि 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो यहाँ लिख दिए 0 माइनस, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, इसलिए माइनस लिखे। एक का एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, आइए cos x है तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ लिख दीजिए साइन एक्स, आइए डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए ध्यान से कि ये आ गया माइनस साइन एक्स, ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए ये भाग में है तो इधर क्या चीज़ में आएगा, गुना में आएगा, तो यहाँ लिख देंगे साइन एक्स डी एक्स, ये माइनस को देखिए भाग में है तो इधर गुना कर दीजिए, ये माइनस को इधर कर दीजिए माइनस डी टी, इसको रखिए रोक कर और इसको इसी दोनों को यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ना वो क्या दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे 1 cos x dx है ना। तो ध्यान से देखिएगा लिख देंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, तो देखिए यहाँ साइन एक्स डी एक्स में लिखिए साइन एक्स डी एक्स हटेगा तो क्या बचेगा माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स हटेगा साइन एक्स डी एक्स तो क्या बचेगा माइनस डी टी, यहाँ लिख देंगे माइनस डी टी बाई 1 cos x, तो 1 cos x को क्या माने हैं टी, 1 cos x को क्या माने हैं टी, तो यहाँ टी लिख देंगे। इतना समझ में आ गया आपको, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, इतना 1 cos x को टी माने थे तो 1 cos x की जगह टी लिखे, चूंकि बटा के नीचे है, आई साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स क्या माने थे माइनस डी टी, माइनस को बाहर कर लीजिए, नीचे के डिफरेंशिएट पूरा पूरा ऊपर में हो, नीचे का डिफरेंशिएट पूरा पूरा ऊपर में हो तो क्या फॉर्मूला होता है लॉग मॉड नीचे वाला, लिख देंगे लॉग मॉड टी प्लस सी है ना, तो ये हो गया माइनस लॉग मॉड टी, टी किसको माने थे 1 cos x को, किसको माने थे 1 cos x को, तो यहाँ लिख देंगे 1 cos x आइए प्लस सी, यही आपका आंसर था, बात समझे ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। तो देखिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, तो दिया हुआ क्वेश्चन में साइन एक्स बाई 1 cos x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन, फिर उसी तरह से 1 cos x को क्या मानेंगे टी मानेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट 1 cos x बराबर टी, टी मान लीजिए,
दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे टाइम एक्स के सापेक्ष, तो क्या लिखेंगे डी बटे डी एक्स वन प्लस कॉस एक्स, और इधर डी बटे डी एक्स इधर क्या लिखेंगे टी, है ना। अब ध्यान दीजिएगा ये वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो, और कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो माइनस साइन एक्स और डी टी बाई टी एक्स। उतना समझ गए होंगे, नीचे क्या किए फिर से देखिए, लेट वन प्लस कॉस एक्स बराबर टी मान लिए, इसको डिफरेंशिएट किए तो डी बाई डी एक्स वन प्लस कॉस एक्स बराबर टी बाई डी एक्स टी, वन कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स। अब क्या हो जाएगा ये लिख देंगे साइन एक्स और ये भाग में है डी एक्स, इधर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा गुना में डी एक्स इक्वल टू डी टी, या ये माइनस इधर कर लेंगे, यही आपका यूजफुल है जिसका यूज करेंगे क्वेश्चन में। तो क्या लिखेंगे आप ध्यान दीजिएगा, नाउ इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब ध्यान दीजिए साइन एक्स डी एक्स क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स डी एक्स, देखिए यहाँ साइन एक्स डी एक्स के वैल्यू कितना लिख सकते हैं माइनस डी टी, ध्यान दीजिए माइनस डी टी बाय वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स को क्या माने हैं टी, तो यहाँ टी लिख देंगे और क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए कि नीचे से ऊपर जा रहा तो पावर पॉजिटिव रहता है तो क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है, पावर पॉजिटिव रहता है तो नीचे से ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस बाहर इंटीग्रेशन टी के पावर माइनस टू डी टी। अब देखिए यहाँ से अब ये हो जाएगा माइनस टी के पावर माइनस टू है तो इसमें प्लस एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय माइनस वन, जैसे इंटीग्रेशन देखिए पावर में माइनस टू है माइनस टू में एक जोड़ेंगे तो ये माइनस वन बाय माइनस वन, और जैसे इंटीग्रेशन आता है तो कॉन्स्टेंट जोड़ते हैं कॉन्स्टेंट के रूप में सी जोड़ दिए, अब माइनस माइनस कट गया ये नीचे आएगा तो वन बाई टी एक नहीं लिखेगा प्लस सी, तो ये हो जाएगा वन बाई टी, टी का वैल्यू कितना है टी का वैल्यू है वन प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ लिख देंगे वन प्लस कॉस एक्स अब प्लस सी, वन प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बात समझे ना, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन इंटीग्रेशन वन बाई वन प्लस कॉट एक्स डी एक्स, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा एनालिटिक हो जाता है सॉल्व करने में, लेकिन उम्मीद है कि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझा देंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से वन बाय वन प्लस कॉटेक्स लिखा हुआ है तो कॉटेक्स का क्या फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला कॉस कॉस एक्स बटे साइन एक्स, तो यहाँ कॉटेक्स को हटा कर क्या लिख देंगे कॉस एक्स बाय साइन एक्स, यहाँ लिख देंगे डी एक्स, तो इसके बटा में एक छुपा हुआ है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन वन बाय एल सी एम लेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, है ना, और ये के टेबल में साइन एक्स मतलब कहते हैं यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस ये से ये कट गया तो क्या लिख देंगे कॉस एक्स और डी एक्स, जानते हैं कि बड़ा बटा गुना के चिन्ह बनेगा तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। उम्मीद है कि इतना समझ गए होंगे, फिर से समझिए इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वन बाई वन प्लस कॉटेक्स है तो कॉटेक्स का क्या फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बाई साइन एक्स, तो वही लिख दिए कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और एक और साइन एक्स का एलसीएम लीजिएगा तो एक और साइन एक्स का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा साइन एक्स, एक के टेबल में साइन एक्स टाइम्स साइन एक्स प्लस दिस कैंसिल कॉस एक्स बराबर टाबुना की चिन्ह बनेगा ये पलट जाएगा तो ये हो गया साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ध्यान दीजिए थोड़ा स्टैंडर्ड चीज करेंगे आप लोग, अगर आइएगा नहीं यहाँ लिख दिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
ऊपर में क्या है ध्यान से देखिए साइन एक्स है, यहाँ लिख दिए साइन एक्स। अब बताइए नीचे में जितना है उतना हमको लाने का मन कर रहा है, नीचे में जितना है उतना ही लाना चाह रहा है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी ऊपर में साइन एक्स नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे में कितना एक्स्ट्रा है कॉस एक्स एक्स्ट्रा। तो देखिए कॉस डालो कॉस निकालो बतवाई से, समझे ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ऊपर में था साइन एक्स, ऊपर में क्या चीज़ का कमी था कॉस एक्स का, कॉस डाले कॉस निकाले। फिर देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा बात बराबर, एक वॉल एक्स्ट्रा में दे दीजिए साइन एक्स प्लस साइन एक्स। ध्यान दीजिए आप बैलेंस कीजिएगा था क्या गड़बड़ी होगा, से देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिल गया, ये साइन एक्स था ये साइन एक्स मिल गया, ये से ये कट गया वो और साइन एक्स आया था, साइन एक्स जो साइन एक्स टू साइन एक्स, तो दो साइन एक्स तो दो एक्स्ट्रा ना गया, तो दो को हटाने के लिए इधर क्या कर देंगे वन बाई टू। बात बराबर है ध्यान से समझिए, मतलब ये दो हटाना चाह रहे थे, देखिए ये से ही कट गया एक साइन एक, एक साइन दो साइन, यहाँ सीधे साइन है तो मान लीजिए यहाँ दो आ जाए दो कैंसिल कराना बात है इसलिए हटा नहीं देगा, इसीलिए वन बाई टू लगा दी है बैलेंस होने के लिए। और उम्मीद है कि ये इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, वन बाई टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये इतना लिए हैं इतना को बटा में दे दिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए इसमें से आप सोच रहे हैं कि माइनस कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले ले माइनस, अगर माइनस कॉमन लीजिएगा तो ऊपर में क्या बचेगा माइनस में कॉस एक्स, माइनस वाला प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में कॉस एक्स, प्लस में है साइन एक्स तो प्लस वाला क्या चीज हो जाएगा माइनस में, ध्यान लिख रहे हो माइनस में साइन एक्स। अब आई कितना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इधर डी एक्स, ये डी एक्स हो गया। तो देखिए ध्यान से ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा वन बाई टू इंटीग्रेशन वन डी एक्स, अलग अलग कर दिए, ये क्या आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, मतलब वही लिख दिए, अब समझ गए होंगे इतना। और चलिए ध्यान दीजिए कि क्या कर देंगे यहाँ, वन बाई टू लिख देंगे और डी एक्स है तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एक्स, यहाँ लिख देंगे एक्स माइनस साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स था, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, यानी साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया माइनस साइन एक्स। इसका मतलब हो गया नीचे वाला का डिफ्रेंशिएट पूरा पूरा ऊपर में है, तो नीचे वाला का डिफ्रेंशिएट पूरा पूरा ऊपर में हो लॉग मॉड नीचे वाला, यहाँ लिख देंगे लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, आइए प्लस यही आपका आंसर रहा। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो याद रखिएगा कि इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, अगर किसी तरह की समस्या हो तो हमें कमेंट कीजिए, अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें फीडबैक का अनुभव हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.